हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चिन्मय कुमार हूँ, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आया हूँ, मेरे साथ लास्ट तक रहिए क्योंकि मैं आज आपको दिखाना जा रहा हूँ कि मेरे गांव में जो बड़ा महोत्सव हुआ था कलश यात्रा, उसी के बारे में। तो आज हम कलश यात्रा के बारे में आपको दिखाऊंगा और मैं कितना वहाँ टाइम बिताया, स्पेंड किया और कौन कौन काम किया और कौन कौन से मिला, उसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ लास्ट तक रहिए और वीडियो का मजा उठाइए। देखो फ्रेंड्स, कितना लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा महोत्सव यहाँ पे पाला जाता है कि जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे कलश यात्रा में शामिल होते हैं। देखो कितना लोग यहाँ पे एकजुट होके इसी महोत्सव को और आनंदित और उत्साह मना देते हैं। दोस्तों यहाँ दोस्तों पारंपरिक का नृत्य के साथ यहाँ पे हमारा महोत्सव को आगे और आनंदित के साथ बढ़ाया जाता है। देखो कितना लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं इसी महोत्सव को, और उसी के साथ भी लोग उसको एक हार्टफुली के तरफ से उसको और यहाँ पे लोग का भीड़ जम जाता है। देखो कितना लोग भी यहाँ पे बैठ के देखते हैं और देखो कितना लोग भी यहाँ पे पीछे लग रहे हैं, और हमारा गांव का भी सभी आदमी यहाँ पे भी लग रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा महोत्सव यहाँ पे पाला जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव का मेन कोर्स, जहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ के वेजिटेबल काटेंगे और अगले दिन यहाँ पे भुजी परोसा जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे सभी गांव का लोग आके यहाँ पे वेजिटेबल काटेंगे। हमको यहाँ पे दिया है गोभी करने के लिए, उसी के साथ दिन और कोई भी यहाँ पे वेजिटेबल भी देंगे। तो पहले हम गोभी को कटेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे सभी वेराइट का वेजिटेबल अलग अलग गांव लोगों को दिए हैं काटने के लिए। देखो यहाँ पे गाजर को भी दिए है काटने के लिए। गोभी के बाद हमारा गांव को अभी केला दिया है काटने के लिए। केला काटने के बाद हमारा गांव को भी और भी वेजिटेबल्स दिया जाएगा काटने के लिए। फाइनली दोस्तों वो दिन आ गया है, अभी हम भगवान को दर्शन करने के बाद हम चल जाएंगे आनंद बाजार, जहाँ पे खाना पीना का सुविधा है। अभी हम भगवान के पास आए हैं, उनको थोड़ी देर दर्शन करेंगे। देखो यहाँ पे भी कितना लोग हैं, कितना लोग भक्ति के साथ यहाँ आए हैं गॉड को दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे भी अभी भी यज्ञ चालू है दोस्तों। अभी हम नीचे आ गए हैं, ये है मेन गेट, गॉड को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ अभी हम जा रहे हैं आनंद बाजार। आनंद बाजार का जो व्यू मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम अंदर आ गए हैं, देखो अभी हम और के अंदर जाएंगे जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाएंगे। अभी भी लोग का भीड़ जम रखा है, यहाँ पे भी खाना पीने का भी जो कुकिंग भी चल रहा है वो भी रात तक चलेगा, क्योंकि इतना लोग भीड़ हो गए आप देख के भी रह जाओगे दोस्तों।
देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, और भी यहाँ पे सभी गांव का लोग भी यहाँ पे लगे हैं खाना देने के लिए। अभी भी आम भी खाएंगे हम, यहाँ पे भी बैठ चुके हैं खाने खाने के लिए। देन हमारा गांव का भी पाली आएगा और हम भी यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने वेराइटी का खाना यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे पनीर करी, राइस, दाल, साग करी और एक मिक्स वेज करी के साथ यहाँ पे खाना परस जा रहा है। अभी हम खाने खाने के बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। देन हमारा गांव का जब आएगा हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। हम 5 बजे 5 PM के बाद आसपास हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा खाना भी हो चुका है। अभी हम आपको दिखा रहा हूँ कि देखो कितना लोग यहाँ पे भीड़ जमा रखा है और भक्तों का समागम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कितना जो कुकर जो कि कुकिंग करने के लिए आए हैं, यहाँ पे 16 चूल्हा लगा रहा है। इसी चूल्हे के साथ वो इवनिंग तक भी रसोई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग भीड़ होगा जहाँ पे आप भी कल्पना नहीं कर पाओगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे जहाँ पे भजन और कीर्तन का समारोह हो रहा है। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ी देर बिताएंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना लोग यहाँ पे बैठे हैं देखने के लिए, और यहाँ पे कौन कौन सी प्लेस से लोग आ रहे हैं आपको मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कितना भीड़ यहाँ पे हो चुका है। अभी तो यहाँ पे इतना भीड़ है, देखो आप रात में कितना भीड़ होगा यहाँ पे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे लोग गॉड को दर्शन करने के लिए यहाँ पे एक लाइन कितने दूर तक लगा रखा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना लोग यहाँ पे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे एक बफे का एक प्रस्ताव आया है, तो लोगों यहाँ पे बफे में खाएंगे दोस्तों। देखो बफे में भी कितना लोग यहाँ पे हुए हैं दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी हमारा टाइम आ गया है, अभी हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा गांव का बंदा बांट रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि मैं जो कुकिंग किचन के पास से यहाँ उसी के पास ले आऊँगा खाना, देन वो लोगों को परसेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे बैरिकेड के माध्यम से यहाँ पे अटक गया है, अटक रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग भीड़ हो गए हैं कि यहाँ पे आना जाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लोगों को खाने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए यहाँ पे बैरिकेड माध्यम से लोगों को अटक गया है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।